राणा, 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 देख लो राणा, मैं ठीक तुम्हारी हवेली के सामने आज अपने प्यार को हकीकत का रूप दे रहा हूं। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। आज तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि सच्चे प्यार के सामने हर ताकत हार जाती है, चाहे वो राणा जैसे शैतान की दुश्मनी क्यों ना हो। ये प्यार की चुनौती है राणा। राणा साहब, राणा साहब, सूरज भान के बेटे ने अपने बाप का हुक्म मानने से तो इनकार कर दिया है, अब आपको भी चुनौती दे रहा है। उसने सारे इलाके में ऐलान किया है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ पल्लवी से, और वो भी आपकी हवेली के सामने। कह रहा था कि अगर राणा में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। राजा, पंडित जी आ गए। शादी की रस्म जल्दी पूरी कीजिए पंडित जी। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने राणा साहब को जो वचन दिया था उसका क्या होगा बेटे? उन्होंने तो एक इंसान को वचन दिया था पंडित जी, वो भी राणा जैसे इंसान को जो प्यार का दुश्मन है। लेकिन मैंने भगवान को वचन दिया है, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा तो क्या हुआ? भगवान मन की भावना समझता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडम ध्वजा मंगलम अशुभ है, तू मर्द है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। रुकना नहीं बेटा, तेरा बाप तेरी ढाल बनकर खड़ा है। साथ। मांग भरो बेटे। सदा सुखी रहो। चुप चुप चुप। Thank you.
दुश्मनी का अंत यही होना था पापा। इस संग्राम की आग किसी न किसी के खून से ही बुझनी थी। लेकिन बेटी, वो खून तो हमारे दुश्मनों का होता। नहीं पापा, अब किसी का खून नहीं बहना चाहिए। प्यार तो भगवान का वरदान है, जिसे न दौलत खरीद सकती है न ताकत छीन सकती है, न भीख में मांगा जा सकता है। मैं तो सब कुछ खो बैठा बेटी। मेरे यहां तो मेरी जिंदगी जा रही है। उधर देखिए पापा, पल्लवी में भी आपको अपनी बेटी ही नजर आएगी। अंकल। बोल बेटी बोल, तेरे लिए मैं सारे फैसले बदल दूंगा, सारे वचन तोड़ दूंगा। नहीं अंकल, वचन तोड़ने के लिए नहीं, पूरे करने के लिए दी जाते हैं। और सबसे बड़ा वचन होता है प्यार का, जो राजा ने पूरा किया। पल्लवी की मां भी सिंदूर भर कर। मुझे माफ कर दो मधु। नहीं मेरे दोस्त, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं तुम्हारे और पल्लवी के प्यार के बीच दीवार बन गई थी। नहीं, नहीं।